हर हर महादेव दोस्तों। सो ये व्लॉग वन ऑफ द हमारे बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग होने वाले हैं, क्योंकि मैं इसमें बनारस में और हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। लेकिन उससे पहले मैं जाना है काल भैरव मंदिर, क्योंकि ये एक रूल है कि तुम्हें पहले काल भैरव मंदिर जाना है, वहाँ के दर्शन करने, दिन आपको महादेव जी के दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाना है। तो फिलहाल हम बनारस में, जैसे आपने देखा कैसे यहाँ पे आना है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा जाके देख लो भाई, आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया, वो जाके देखो। फिलहाल हम आगे चलते हैं, कैसे कैसे वहाँ तक जाना है ये भी हम आपको बताएंगे, कौन से घाट पे है। तो क्या भाई, मेरे फेवरेट है आम पापड़। तो भाई आगे दर्शन जाने से पहले हम खाएंगे आम पापड़। मैं भी खाया। ये 10 का है? ये वाला 20 का है, मैं बहुत छोटे छोटे से। चलो धन्यवाद, चलो। कुछ खाओ ना खाओ, आम पापड़ जरूर खाओ गर्मियों में। क्या तो चांदनी चौक की तरह दिखने वाला ये मार्केट है, दशाश्व मेघ का मार्केट। दशाश्व मेघ घाट है, जैसे कि आपने पहले वीडियो के एंड में देखा था जहाँ आपने गंगा स्नान किया था। तो हाँ, ये मार्केट है, तो अच्छी खासी मार्केट है भाई, लेकिन ये भी शायद लेडीज़ों का मार्केट ज़्यादा है। हाँ, लेडीज़ में टाइम भी ज़्यादा है। घूमते ही रहो, फिर अपने आप को छोड़ ही दो। ये तुम कहाँ से घुसे थे, कहाँ को निकलोगे? बात तो सही है, इतने सारे हर इतने बड़े मार्केट में हो, लेकिन कुछ खरीदना नहीं है तुम्हें। वाह, है ना, इतने बड़े मार्केट में है लेकिन हम कुछ खरीद नहीं। क्योंकि हमें अभी मंदिर जाना है, बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आ रही हुए सच है यार। तुम लोग को एक और मैं चीज़ इम्पोर्टेंट रहा हूँ, गूगल पे भरोसा मत करो, लोगों से पूछ लो यहाँ के, ठीक है, बोर्ड देख लो कि कहाँ तुम्हें कब जाना। हमें अभी काल भैरव मंदिर जा रहे थे, एक हमें इस साइड भी दिखा रहा था, तो वो चीज़ अवॉइड करना भाई, ये चीज़ से अवॉइड करना, नहीं तो गूगल तुम्हें घुमा देगा। इधर जा रहा है, मैं उधर जा रहा था, बच के थोड़ा गूगल पे भरोसा मत करो, कुछ गूगल पर पूछ लो, आस पास के लोगों से पूछ लो। नहीं, चश्मा लगा के देखें, हम तो अंधे हो गए हैं। हमारे तो बालक कहाँ गए, और आगे भैया, अरे भैया देखो ना, इसमें कोई महाशिवरात्रि है ना सोमवार है, फिर भी कितनी भीड़ है। जब भाई हमें काल भैरव मंदिर जाना था, अबे मैप की भी जरूरत नहीं, क्योंकि लाइन इतनी लंबी लगी है, 1 किलोमीटर पहले से ही लाइन है भाई। ये देखो उधर भी लगी है, उधर भी लाइन लगी है पूरी, लाइक सीरियसली। भाई हम लोग तकरीबन 12:30 बजे करीब काशी विश्वनाथ मंदिर के टेंपल में, मंदिर में दर्शन करने के लिए लगे, एंड हम निकले 5:30 बजे वहाँ से बाहर। भाई इतनी लंबी लाइन, इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा रश है इस टाइम। काशी विश्वनाथ के बाद अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे गंगा आरती में, अगर टाइम पे पहुँच गए तो। क्योंकि 6:30 बजे गंगा आरती होनी है और अभी 5:30 है, लेकिन वो 4 घंटे हम लोगों ने कैसे स्पेंड किए अंदर वो हमें पता है। तो चलो, कोई भी अगर आना चाह रहा हो तो भाई सोच सोच समझ के आना चाहिए। नेताजी पान भंडार, मंदिर की वजह से काफी ट्रैफिक है। भाई बहुत भीड़ है यार, बहुत बहुत ज्यादा भीड़। Thank you.
तो भाई यह है काल भैरव मंदिर में भी यहाँ से लेके इधर करके फिर आगे बहुत लंबी। तो भाई बनारस की सबसे अच्छी जो चीज़ें हैं ना वो उनकी गलियाँ हैं। देखो कितनी पतली पतली गली है। टिटी 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 और छोटा कहाँ रह गया। देखो कितनी प्यारी प्यारी गलियाँ। दिक्कत जानते हो क्या भाई, लास्ट टाइम हमने खाना खाया था लगभग 11:30 बजे करीब या 11 बजे करीब, ना हम ये खा रहे हैं अब। हाँ भैया हम ये सब खा रहे हैं, थोड़ा पुरानी आदत आ रही है। नाव हम जा रहे हैं घाट की तरफ गंगा आरती के लिए, बट आज चल इतना चुके हैं कि हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। चाहिए हो चाहे मैं हूँ चाहे पीछे वो दोनों आ रहे हैं, वो हों थके हुए हैं बट घूमना है। तो भाई सिस्टम ये है कि बनारस की गली आपको कहाँ से कब घुमा दे पता नहीं, मतलब इधर से ही गए अभी और घूम फिर के फिर से वहीं पे आ गए। देख रहे हो बनारस की गली, हमें लग रहा हम सीधे चले जा रहे हैं बट नहीं। तो ये रहा अपना काशी विश्वनाथ मंदिर, भाई अभी आरती का टाइम हो गया, इतनी सारी भीड़ वहीं जा रही है, सारी की सारी भीड़। अभी आपको देखना आरती के टाइम पे, गंगा आरती के टाइम पे कितनी ही भीड़ लगने वाली है। ये भीड़ है शाम की गंगा आरती के लिए। ये भीड़ देखो, ये गंगा आरती के लिए भीड़ है। मैंने ना प्रयागराज में ऐसी भीड़ देखी है, ना ऋषिकेश में ऐसी भीड़ देखी है। ये बनारस उतने ही नाव में बैठे हैं बाहर, उतने ही ऊपर को हैं, उतने उधर को हैं, उतने ही छत पे हैं। और ये हमारे कुछ भाई लोग मिले हैं, 1, 2, 3, इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है ये देखकर।
गंगा आरती होने के बाद हम आए हैं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लोकेशन ऑफ माई, और मैंने अभी जितने भी घाट्स देखे ना इधर, मैंने आपको इस पिछली वीडियो में भी दिखाया था, ये हमारा राणा महल घाट है जहाँ मतलब काफी अच्छा लोकेशन है फोटो वोटो क्लिक करवाने के लिए। भाई कैसा रहा तुम लोग का आज का दिन बता मनीष, तेरा दिन कैसा रहा आज का? सबसे बेस्ट पार्ट हमारा आरती था, वो तो गजब थी भाई। तेरा बता सैलेस मरे हुए सकल से क्यों बोल रहा है? अभी तो मणिकर्णिका घाट पे गया भी नहीं तू, पहले मर गया भाई। ऑल ओवर बोले बहुत ही बढ़िया दिन था भाई, देखो कितनी चहल पहल है अभी भी पूरे एंड ऑफ द नाइट। ये व्लॉग यही खत्म होती है, खाना पीना खाएंगे, जाएंगे सोएंगे, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।